गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट, इट इज योर मैथ पीरियड। आई विल टीच एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1, आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ठीक प्रकार से समझिएगा, तब कॉपी पर करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लीकेशन के हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं। आज की कॉपी निकाली थी दिया है, आज की डेट डाले 14 जून 2021, क्लास कर लीजिए और नीचे वाली लाइन में एक्सरसाइज 2.3 लिखिए ब्लैक में। इतना लिखने के बाद में नई लाइन से नीचे लिखिए मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाइज का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पेज के बीच में करते हैं, कहाँ करते हैं, पेज के बीच। पहला क्वेश्चन आपने यहाँ बता दिया, उसके बाद में यहाँ फिर से लिखा 400 मल्टीप्लाई 300, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि लास्ट में 2 0 यहाँ पर है और 2 0 यहाँ पर है, ठीक। देख रहे हैं जो इस तरह की कोई संख्या लिखी होती है वहाँ पर दोनों जीरो को हम गिन लेते हैं, 1 2 0 1 2 0 2 0, ये 2 0, ये मिला के कितने जीरो हो गए, 4 0 हो गए। तो यहाँ पर हम 4 0 लगा देते हैं, 1 2 3 4 0 हो गए। अब हम इस 3 का 4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो जब 3 का हम 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 जाए कितना होता है, 12। यहाँ पर हम 12 लिख लेते हैं, ठीक। ये नंबर क्या हो गया, 1,20,000, और ये इसका यहाँ पर ये आंसर, ठीक। आपसे क्वेश्चन बन जा रहे, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 5,000 3,000, ठीक। उसको हम यहाँ पर लिखते हैं 5,000 3,000, इसमें भी इसी प्रकार से होता है 3 0 यहाँ पर, 3 0 यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के कितने जीरो हो गए, 6 0। तो यहाँ पर हम 6 0 लिख देते हैं, 3 4। अब हम 3 का 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 का कितना हो जाएगा, 3 5 का 15 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
ठीक उसी प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फोर नंबर है, 3, 4, 7, 9, 15 by 400। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको जीरो वाले हुए हैं, टू जीरो और पहले बना देंगे, 4 का टेबल 9 को बनाएंगे, 4, 9, 36, 36, 36, 3 कैरी कर देंगे, 4, 7 में आप 20 है, 28 में 3 कैरी प्लस कर दी तो 31 हो गया, 31 की बाद 3 कैरी कर देंगे, 2 कैरी लगी,